सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ चैप्टर 15। चैप्टर 15 का नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 15.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर जान लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है परिमाप क्षेत्रफल, तो परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में आपके बुक में ही दिया गया है, डेफिनेशन आपकी बुक में यहाँ पर लिखा गया है। या आपने मेज, किताब के पन्ने, दरवाजे और खिड़की के पल्ले, चकले, कमरे के फर्श, ब्लैक बोर्ड, बेंच आदि को देखा है। इनके चारों ओर के ऊपरी किनारों को मापें। इनके चारों ओर के किनारे की लंबाई के कुल माप को परिमाप या परिमिति कहते हैं। देखिए, परी का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है मापना। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ों के नाम बताए गए हैं, इनके चारों ओर के माप को जब आप मापेंगे, चारों ओर को जब आप मापेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, इन वस्तुओं के द्वारा किसी तल के घेरे गए भाग को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ क्या है, ये शतरंज का एक बोर्ड है जिसमें हम शतरंज खेलते हैं, जैसे कि लूडो होता है वैसे ही गेम होता है शतरंज। तो ये जो चीज़ है, जब आप इसके चारों ओर के लंबाई चौड़ाई को मापेंगे, यानी कि इस किनारे को, फिर इस किनारे को, यानी कि इन चारों किनारों को जब आप मापेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, परिमाप कहते हैं। इसके चारों किनारों के कुल माप को क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, ये चीज जो यहाँ पर रखा हुआ है, इसने जितनी यहाँ पर जगह ली है, जितना जगह इसने यहाँ पर छेका हुआ है, वो क्या है, वो इसका क्षेत्रफल है। ये बुक है, ये क्लास 8 मैथ का बुक है। इस बुक को मैंने यहाँ पर रखा, या फिर इस तरह से इसको रखा, इस तरह से, या फिर इस तरह से, किसी भी तरह से इसको रखा। तो इस बुक के चारों किनारों को जब हम मापेंगे, और इसका जो कुल माप होगा, इसका जो टोटल माप होगा, उसको हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। और इस बुक को जो यहाँ पर मैंने रखा है, और इसने जितना भी जगह यहाँ पर लिया है, उसको क्या कहेंगे, इसका क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है। आई होप अब आपको परिमाप और क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले भी दिए गए हैं, जैसे कि सम बहुभुज का परिमाप यहाँ पर दिया गया है, भुजाओं की संख्या गुना एक भुजा की लंबाई। वर्ग का परिमाप निकालना हो तो 4 गुना भुजा। आयत का परिमाप निकालना हो तो 2 गुना लंबाई और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। ठीक है। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर फॉर्मूले भी दे दिए गए हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 15.1। 15.1 का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि फ्रेम के चारों ओर 12 रुपया प्रति मीटर वाली लेस लगानी है तो लेस की कीमत बताइए। इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहले तो हमें आयताकार फ्रेम की परिमिति और क्षेत्रफल निकालना है, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, उस आयताकार फ्रेम के चारों ओर लेस लगाना है, तो लेस का कीमत हमें ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है। ये मान लिया कि हमने ये आयताकार फ्रेम है, आयत के आकार का मैंने बना दिया, और यहाँ पर क्वेश्चन में ही कह रहा है कि आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। आयत का चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। यानी कि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। देखिए, हम लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 गुना लंबाई जोर चौड़ाई। देखिए, लंबाई यहाँ पर दिया गया है, लंबाई हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लंबाई है कितना, 15 सेंटीमीटर, एंड चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना लंबाई, लंबाई है 15 प्लस चौड़ाई है 10। 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 2 गुना 25 यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप यानी कि आयताकार फ्रेम का परिमाप कितना निकल गया, 50 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया पहला आंसर। हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लिखिए, या फिर आयताकार फ्रेम का क्षेत्रफल, या फिर इसके जगह पर लिख सकते हैं आयताकार फ्रेम का परिमाप। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 15
और चौड़ाई है 10, लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंड एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे वो वर्ग का क्षेत्रफल हो चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, ठीक है। तो गुणा करके हो जाएगा 150, तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप वर्ग सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर, ठीक है। परिमाप निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आयताकार फ्रेम के चारों ओर लेस लगाना है, ठीक है, लेस लगाना है। और एक मीटर, देखिए यहाँ पर प्रति मीटर 12 रुपया प्रति मीटर वाली लेस लगानी है, यानी प्रति मीटर का मतलब हुआ एक मीटर लेस की कीमत है 12 रुपया, एक मीटर लेस की कीमत है 12 रुपया, ठीक है। उस लेस को इस आयताकार फ्रेम के चारों ओर लगाना है, तो उसका कितना खर्चा आएगा, टोटल कितना पैसा लगेगा। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, एक मीटर लेस की कीमत 12 रुपया। हमें इस आयताकार फ्रेम में लगाना है, तो आयताकार फ्रेम का जब हमने परिमाप निकाला तो कितना आया, 50 सेंटीमीटर आया। तो इसी के चारों ओर लगाना है, तो इसका चारों ओर का माप कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। तो हमें 50 सेंटीमीटर में पूरा लेस लगाना है। देखिए जब हमने आयताकार फ्रेम का परिमाप निकाला, इसका चारों ओर का माप निकाला, तो निकला 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके चारों ओर हमें इस तरह से लेस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक मीटर लेस की कीमत है 12 रुपया, तो अगर चारों ओर लेस लगाना है तो उसका कितना कीमत आएगा। तो कितने में लगाना है हमको, 50 सेंटीमीटर में लगाना है, क्योंकि इसका चारों ओर का माप कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 सेंटीमीटर लेस की कीमत, ठीक है। क्या लिखेंगे, 12 गुना 50। अब यहाँ पर देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 100 से हम इसको भाग करेंगे, तो 50 दूनी 100 हो गया, और ये 2 × 6 = 12, 6 यानी कि 6 रुपया हो गया। अगर हम आयताकार फ्रेम के चारों ओर लेस लगाएंगे तो उसका कितना कीमत आएगा, 6 रुपया आएगा, ठीक है। देखिए एक मीटर लेस की कीमत यहाँ पर बताई गई 12 रुपया, अगर चारों ओर लेस लगाना है तो कितना कीमत आएगा, 6 रुपया आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है कि एक आयताकार चाय के बगान की परिमिति 100 मीटर है तथा लंबाई 30 मीटर, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या दिया गया था, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया गया था, इसमें आपको परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करना था, लेकिन इसमें परिमिति दिया गया है, लंबाई दिया गया है, लेकिन हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक आयत का चित्र बना लिया है, आयताकार चाय के बगान की लंबाई 30 मीटर, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और चौड़ाई नहीं दिया गया, चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आयताकार चाय के बगान की लंबाई 30 मीटर है और आयताकार चाय के बगान की चौड़ाई हमने x माना, यानी x मीटर मान लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम लिखेंगे प्रश्न से आयताकार चाय के बगान की परिमिति क्या दिया गया है, 100 मीटर। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि आयताकार चाय के बगान की परिमिति कितना है, 100 मीटर है। अच्छा आप लोग जानते होंगे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, आयत का परिमाप हमने निकाला था, आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, और परिमाप कितना दिया गया है, 100 मीटर, ठीक है। अब इसी पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 की जगह पे तो 2 ही रहेगा, लंबाई हमें मालूम है, लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई हमें मालूम नहीं है, तो हमने x माना है, तो x हमने लिख दिया चौड़ाई की जगह पे, और ये 100 मीटर, ठीक है। फिर तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये जब आप देखेंगे तो ये है 2 × 30 + x = 100, इस तरह से है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को जो है हम बराबर के इस साइड लाएंगे, तो इधर ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, भाग में, इतना तो आप जानते होंगे। तो 30 + x ये इधर ही रह जाएगा, और सिर्फ हम 2 को इस साइड ले आ रहे हैं, तो 2 आ जाएगा नीचे, ये भाग में बन के आ गया। अब इसको कटा देंगे तो 50 होगा, तो कितना हो गया, 30x
प्लस 50 मीटर हुआ, मीटर में था। अब क्या करेंगे, देखिए 30 जो है ये अभी किसमें है, ये प्लस में है, बराबर के इस साइड जब इसको ले जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्स बराबर 50 माइनस 30, माइनस 30 कैसे हुआ, 30 को हमने बराबर की साइड ले आया तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 20 मीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमने फॉर्मूले पे इसको सॉल्व किया, आपको बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमने आयताकार चाय के बगान की चौड़ाई को x मान लिया था और फिर यहाँ पे परिमिति दिया गया था और हमने इसका चौड़ाई निकाल लिया, तो x इक्वल टू कितना आया, 20 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। देखिए मैंने आपको एक चीज बताया था कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में ही होता है, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो चाहे वो वर्ग का क्षेत्रफल हो, ठीक है, वो हमेशा मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर में ही होता है। तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो उस मैदान की परिमिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिमिति ज्ञात करना है, परिमिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, परिमिति ज्ञात करने के लिए हमें भुजा मालूम होना चाहिए, लेकिन इसमें वर्ग का भुजा नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल दिया गया है। तो चलिए पहले हम इस क्षेत्रफल के जरिए भुजा ज्ञात करते हैं एंड भुजा ज्ञात करने के बाद हम परिमिति ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर, इसी को वर्ग मीटर भी कहा जाता है, मीटर स्क्वायर को ही वर्ग मीटर कहा जाता है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 144 मीटर स्क्वायर है। और हम मान लेंगे, माना कि वर्गाकार मैदान की भुजा x मीटर है। देखिए एक चीज तो आप जानते होंगे कि वर्ग का जो चारो भुजा होता है वो बराबर होता है, यानी कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x ही होगा, यानी कि एक भुजा का माप जितना होगा उतना ही बाकी तीनों भुजाओं का भी माप होगा। तो माना कि वर्ग का मैदान की भुजा कितना है, x मीटर है, x हमने मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्न से वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 144 मीटर स्क्वायर, ये तो दिया ही गया है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा गुना भुजा होता है, भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, इसका सूत्र भुजा गुना भुजा। तो ये कितना दिया गया है, 144 मीटर स्क्वायर। भुजा हमने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भुजा गुना भुजा की जगह पे x गुना x बराबर 144 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये x गुना x करेंगे कितना होगा, x स्क्वायर होगा बराबर 144 मीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें निकालना है x का वैल्यू, हमने वर्गाकार मैदान की भुजा को माना है x, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, हमें x स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें एक भुजा का माप मालूम हो जाएगा तो बाकी के तीनों भुजाओं का माप भी उतना ही होगा, तो हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। तो x स्क्वायर हमें यहाँ पर मालूम हुआ कि 144 मीटर स्क्वायर है, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस पर से हम स्क्वायर को रिमूव कर देंगे, तो जब इसको हटाएंगे, हम स्क्वायर को जब हटाएंगे तो 144 पे रूट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। कैसे हुआ, 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। इसका वर्गमूल आप निकाल के देख सकते हैं, इसका कितना आएगा, 12। तो x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू 12 मीटर। तो हमें वर्गाकार मैदान का एक भुजा का माप पता चल गया कितना है, 12 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, परिमिति निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्गाकार मैदान की परिमिति, वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या फॉर्मूला होता है, 4 गुना भुजा। भुजा में मालूम है 12 मीटर, तो 4 गुना भुजा की जगह पे क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो 4 गुना 12 कितना हो जाएगा, 48 मीटर। ये हो गया आंसर, ये रहा आपका पहला आंसर एंड ये रहा आपका दूसरा आंसर, ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। यहाँ पर हमने भुजा निकाला और यहाँ पर हमने परिमिति निकाला, ठीक है।
इस तरह से आपका एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।